सभी को विदित है कि जिले में धारा 144 लगी हुई है। 20 कंपनियां जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की आ चुकी हैं यहाँ पे। कर्फ्यू इज इन प्लेस, अभी शांति बनी हुई है। हमने अभी फ्लैग मार्च चल रहे हैं, हमने भी अभी फ्लैग मार्च किया है न्यू सिटी से लेके बड़कली चौक से वापसी जो है आए हैं। पीस कमेटी की दूसरी मीटिंग है, एक हमने कल रात को की थी और एक अभी की है, तो इसको भी हम कंटिन्यूस बढ़ाएंगे। सर, लोकल इंटेलिजेंस की बात आ रही है कि कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस जो है वो फेलियर हुआ है, जिस तरह से उस इलाके से जो जब यात्रा निकला, जैसे मान लें कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की तरफ से जो इनपुट था वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ पूरी तरीके से, जो एक शोभा यात्रा को लेकर जिस तरीके से ये यात्रा जो है देखिए हर साल निकाली जाती है इस प्रकार की जो है, और इस टाइप की और भी यात्राएं जो है साल में निकाली जाती हैं, कई दफे निकाली जाती हैं। उसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि पुलिस बल जो है वो उस रूट पे लगाया जाता है, मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं, उसकी प्रिलिमिनरी मीटिंग्स होती हैं, दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया जाता है, मीटिंग्स होती है, कोई किसी को कोई समस्या रहती है, कोई अपना कोई पक्ष अगर रखना चाहता है तो वो रखते हैं। तो इस प्रकार की कोई वो नहीं थी, और जैसे फ्लेयर अप हुआ तो वो हम जांच कर रहे हैं किस टाइप से क्या हुआ, कि अगर किसी की शरारत रही है तो उसको हम जरूर जो है। प्रशांत सर, अब क्या रहा, क्या हिंदू पक्ष के भी लोग अभी आए थे, क्या सिर्फ मुस्लिम पक्ष के थे, क्या कोई और एक मीटिंग की कॉल की गई शाम? नहीं जी, दो हम एक दो ये मीटिंग जो हमारी दूसरी थी आज, कल दोनों समुदाय के जो लोग थे वो कल शाम की मीटिंग में थे, आज एक ये पहली मीटिंग है, कभी हम लंच के बाद भी करेंगे, तो उसमें जो है हम एक कॉमन ग्राउंड बनाएंगे ताकि जो है इस सिचुएशन को जल्द से जल्द नॉर्मल कर सके। लोग आएंगे नू में, अभी हिंदू समाज के लोग भी आएंगे जो मौजूद हैं वो लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कल शाम को भी आए थे जी, कल शाम को हमारी पहली मीटिंग हुई थी, उसमें हिंदू समाज और दोनों समाजों के लोग थे। और सिक्योरिटी को लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस कितनी है, एक ऑफिशियली बता दीजिए, कितने हरियाणा पुलिस के जवान जो अदर डिस्ट्रिक्ट से बुलाए हैं एक रफली सर? जी जी, ऑलमोस्ट 6 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स जो जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उनको यहाँ लगाया गया है। उसके साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस इसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, कल रात को भी जो है 12 बजे उन्होंने यहाँ मीटिंग ली थी। साथ ही साथ हमारे एडीजीपी सीआईडी साहब हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, आईजी रेंज हैं, वो सभी यहाँ तैनात हैं, जिले में तैनात हैं। इसके साथ 5-6 जो हमारे संबंधित पुलिस ऑफिसर्स हैं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, उनकी भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी लगी है। सर, इंटरनल इनपुट ये भी है कि लोग ऊपर से कह रहे हैं कि हाँ सब चीज ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कल के इंसिडेंट को लेकर लोगों के मन में अभी भी बैठा हुआ, तो इसको लेकर कैसे आप दोनों पक्ष को लेकर फिर लाएंगे कि जैसे कि इलाके में अमन शांति हो? नहीं, वो हमारा प्राइमरी कंसर्न है जी, जैसे कि हम कम्युनिटी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रशांत सर, एक चीज और, क्या रात शाम में भी कोई मीटिंग आप कॉल कर रहे हैं दोनों पक्षों को लेकर? बिल्कुल, ये हम ये सीरीज ऑफ मीटिंग चलती रहेंगे हमारी जब तक नॉर्मल सी रेस्टोर नहीं होगा। और फ्लैग मार्च भी होगा क्या? जी जी, फ्लैग मार्च कंटिन्यूस चल रहा है, हम अभी करके ही आए थे इनफैक्ट आपकी मीटिंग से पहले। ठीक है, ये समझ साहब, जिस तरह से देखिए ये जो शोभा यात्रा थी इसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो ये सारी जो ये घटना घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इसमें अभी जो है आज की डेट में 144 धारा जो है इस जिले में लगी हुई है, साथ ही साथ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। 20 कंपनियां हैं हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो आज की डेट में जिले में जो है स्टेशन है। साथ ही साथ हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं स्टेट से, वो भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ जो हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के एसपीज हैं, डीसीपीज हैं, वो भी यहाँ स्टेशन है। तो सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है हमने सब सेक्टर्स में डिवाइड किया है, और मैजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की जो है हमने ज्वाइंट टीम्स बनाई है ताकि नॉर्मलसी को हम जल्द से जल्द रिस्टोर कर सकें। अभी तक 16-17 एफआईआर हुई हैं और अभी और भी एफआईआर चल रही हैं, जैसा कि मेरे साथी जो हमारे एसपी भिवानी है जिनको चार्ज मिला हुआ अभी एसपी नूका, उन्होंने बताया कि और भी जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं तो एफआईआर की तरफ और बढ़ रहे हैं। ये क्लियर पिक्चर जो है ये हम शाम तक आपको दे पाएंगे कंसोलिडेट करके, हम जितने पत्रकार बंधु उनके साथ हम शेयर करेंगे। एक सवाल ये है कि अभी तक की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने की है, क्या समझ में आ पाया सर कि क्या प्री प्लान्ड ये दंगे थे? देखिए ये जांच का विषय कि प्री प्लान्ड था या एकदम स्पॉन्टेनियस हुआ है, तो उस पर हम जांच कर रहे हैं, जैसे ही उसमें कुछ सब्सटेंटिव आएगा तो हम आपसे शेयर करेंगे।